फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पे आज देश भर के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग है कि हमारा वेतन समझौता जो 1/11/2017 से तिथि है उसको भारत सरकार और आईबीए के भारतीय बैंक संघ द्वारा टालम टोल की नीति अपनाते हुए उसको आगे स्थगित कर रही है, लेकिन उसको संपन्न नहीं कर रही है। मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। इस दौरान में 39 वार्ताएं भी हुई, यूनियन का सकारात्मक रवैया रहा, लेकिन भारतीय बैंक संघ बदनीयति के साथ बैंक कर्मचारियों के पास के साथ दोहरा मापदंड रखते हुए हमारा समझौता नहीं कर रहा है। जबकि बैंक कर्मचारी देश के आर्थिक उत्थान के अंदर, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे जनधन योजना हो, या वर्तमान में मुद्रा योजना जो भारत सरकार की है उसको सफल बनाने के लिए अब दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जब भी वेतन समझौते की वार्ता होती है तो हमारे को ये कह दिया जाता है कि बैंकों का और देश में रेसेशन है। ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। बैंकों का वर्तमान के अंदर जो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 1,49,000 करोड़ रुपया जो है प्रॉफिट हुआ था, लेकिन और बैंकों के अंदर जो सरकार की कुनीतियों के चलते सरमाएदारों को फाइनेंशियल जो लोन दिए गए डूबत ऋण है उनके अंदर प्रोविज़न 2,16,000 करोड़ रुपया जो है उसका प्रोविज़न किया गया। इस प्रकार बैंकों का जो शुद्ध हानि है वो 66,000 करोड़ रुपया हुई है। इसके जिम्मेवार बैंक कर्मचारी नहीं है बल्कि भारत सरकार और भारतीय बैंक संघ है जिनके द्वारा बैंकों का नुकसान हो रहा है। हमारी मुख्य मांग है कि हमारा वेतन बढ़ोतरी जो पिछले साल से 17 से अतिदेय है उसमें 20% फाइनेंशियल पैकेज में बढ़ोतरी की जाए, 7.5% जो स्पेशल अलाउंस है उसको बेसिक पे में मर्ज किया जाए, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पेंशन कर्मचारियों के साथ है कि 1995 में अगर कोई रिटायर हुआ एम्प्लाई तो उसको 1995 के हिसाब से ही पेंशन होती है, जबकि केंद्रीय सरकार के अंदर हर वेतन जो आयोग है उसके अंदर पेंशन का अपडेशन होता है। बैंकों के कर्मचारी में इस दौरान 4 बाइपार्टाइट हुए हैं फिर भी हमारा जो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। फैमिली पेंशन नगण्य समान है। हमारे अधिकारियों के कार्य के समय निश्चित होने चाहिए, हमारी मांग है। और जो बैंकों का जो 5 दिवसीय बैंकिंग होनी चाहिए, अवकाश बैंक की स्थापना होना चाहिए, और ठेके पे जो कार्य करते हैं, जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जो कर्मचारी बैंक के कर्मचारी के समान काम करते हैं उनको समान कार्य का समान वेतन का भुगतान होना चाहिए। इन मुख्य मांगों 12 सूत्रीय मांगों को लेके आज और कल हम बैंक कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। अगर भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर भी नहीं चेती तो 11, 12, 13 मार्च को हम जो है हड़ताल करेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल से इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। इसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की है, हमारा बैंक कर्मचारियों का कोई है नहीं है। हमने देश के हित में सदैव बैंक को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। रवि कुमार वर्मा, संयोजक UOPU अजमेर इकाई।